अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन एट होम, स्टे सेफ। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर इंग्लिश वर्क बुक पेज नंबर 31। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट एंड डे। सबसे पहले आपने इसके ऊपर डेट और डे मेंशन करनी है। ओके स्टूडेंट, आज हमने क्या करना है? कम्प्रीहेंशन। ठीक है, कम्प्रीहेंशन में जो है वो क्या होता है कि एक पैराग्राफ होता है, ठीक है, आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रीड करना होता है, और उनमें से ही आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं या कुछ MCQs की सूरत में होती हैं, तो आपने उसको जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स की सूरत में जो है वो कम्प्रीहेंशन को हमने पहले रीड करना है, और उसके बाद ये नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स है, हमने इन फिलिंग द ब्लैंक्स में जो करेक्ट वर्ड है उसे पुट करना है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले है वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं, ठीक है। आवर रिलीजन इस्लाम, हमारा मज़हब जो है वो क्या है? इस्लाम है, ठीक है। वी बिलीव इन अल्लाह, हम अल्लाह ताला पे जो है वो क्या यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, ठीक है। कुरान इज़ आवर होली बुक, कुरान जो है वो एक कुरान इज़ आवर होली बुक, कुरान जो है हमारी मुकद्दस किताब है। वी प्रे 5 times आर डे इन मॉस्क, हम जो है वो 5 मरतबा दिन में जो है वो 5 मरतबा मस्जिद में जाते हैं। किस क्या करने के लिए जाते हैं मस्जिद में? नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आप देखें नीचे हैं आंसर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर दिस क्वेश्चन लिखा हुआ है, बट यही है कि आपने इसको देखना है। सबसे पहले आपने फर्स्ट लाइन पे ये फिंगर रखनी है, वी, देखिए लिखा हुआ है ऊपर फर्स्ट लाइन में वी, उसके बाद आर भी लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या है? वी आर डैश, वी आर मुस्लिम्स। आपने देखना है यहाँ पे मुस्लिम जो है वो राइट नहीं किया हुआ, वी भी राइट किया हुआ है और आर भी राइट किया, आपने यहाँ पे मुस्लिम जो है वो राइट करना है। ऊपर से स्पेल देख के नीचे आपने लिखने हैं MUSLIMS, मुस्लिम्स। नेक्स्ट आवर रिलीजियन इज डैश, ओवर रिलीजियन, देख रही क्या ओवर भी लिखा पर रिलीजियन इज इस्लाम, इस्लाम जो है वो यहाँ पर राइट नहीं किया हुआ, आपने यहाँ पे इस्लाम जो है वो राइट करना है, ISLAM, इस्लाम। ओवर रिलीजियन इज इस्लाम। अब हम थर्ड लाइन पे, आपने ऊपर से भी थर्ड लाइन देखनी है, देखिए वही भी लिखा हुआ है, उसके बाद बिलीव इन भी लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ? अल्लाह। अब आपने यहाँ पे अल्लाह के जो है स्पेलिंग ऊपर से देख के नीचे राइट करने हैं, ALLAH, अल्लाह। वी बिलीव इन अल्लाह। नेक्स्ट है फर्स्ट में, देखिए कोई भी वर्ड, ये फोर्थ वाली लाइन है, अब आपने इसमें से फोर्थ वाली लाइन जो ये फोर्थ वाला वर्ड आपने देखना है, फर्स्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं राइट किया, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो वर्ड क्या है? कुरान, कुरान इज़ आवर होली बुक। अब हमने यहाँ पे कुरान के स्पेलिंग जो है वो राइट करने हैं, QURAN, कुरान, कुरान इज़ आवर होली बुक। नेक्स्ट है वी, वी, वी भी देखिए नीचे लिखा हुआ है, प्रे, प्रे भी लिखा हुआ है, उसके बाद क्या नहीं लिखा हुआ? फाइव। अब हम यहाँ पे फाइव राइट करेंगे, FIVE, फाइव। आगे देखिए टाइम्स भी लिखा हुआ है, आर डे इन मॉस्क, वी प्रे 5 times आर डे इन मॉस्क, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सेम आपने इसी तरीके से जो है इस पेज को कंप्लीट करना है, और आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। आज के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।